नमस्कार बच्चों, कक्षा 11वीं में एक ये वाला टॉपिक है संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें आपको संस्कृत भाषा कैसे पैदा हुई और कैसे उसका विकास हुआ, उस विकास यात्रा को आपने पढ़ना पड़ेगा। और कहाँ से आई संस्कृत, संस्कृत में क्या क्या है, ये सारा आपको इस टॉपिक में क्लियर करना है। मतलब 10 मार्क्स का आता है। तो आज कुछ एक प्रश्न है जिनको हम इस वीडियो में करेंगे और धीरे धीरे करके हम इस पूरे जो कंटेंट है उसको क्लियर कर देंगे। मतलब ये जो टॉपिक है ना, संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास, इसको हम पढ़ लेंगे। इसके साथ में रामायण, महाभारत, इन सब के विषय में भी कुछ प्रश्न आते हैं, वो भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, जैसे पहला प्रश्न है ना, पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, कुछ इसी तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं परीक्षा में भी। जैसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चों, संस्कृत भाषा का उद्भव विकास में संस्कृतम इति शब्द से क्या का व्युत्पत्ति। ये पूछा जा रहा है कि संस्कृत इस शब्द की क्या व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति का मतलब होता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये बना कैसे है, ये शब्द बना कैसे है। तो ये कैसे बना है, तो ये इस तरह से बना। देखो, सम उपसर्ग, संस्कृत शब्द जो है वो इस तरह से बना है। सम उपसर्ग, ये सम उपसर्ग होता है ना, प्रा परा अप सम, वो सम उपसर्ग। उसके बाद में क्री धातु, उसके साथ में क्री धातु लग गया, फिर उसके साथ में ता प्रत्यय लग गया। ठीक है, तो ये तीनों जब मिल गए तो शब्द बन जाता है हमारे पास क्या, संस्कृत। ठीक है, इस तरह से ये क्या बन जाता है, संस्कृत। अब ये सा कहाँ से आया, ये एक व्याकरण का विषय है जो हम व्याकरण के बिंदुओं में पढ़ेंगे। पर आपको ये पता होना चाहिए कि संस्कृत शब्द बना किस किस धातु और किस किस शब्द की सहायता से है, किस किस प्रत्यय की सहायता से बना हुआ। क्योंकि संस्कृत के जितने भी शब्द हैं सारे प्रत्ययों की हेल्प से बनते हैं, प्रत्यय लगता ही लगता है उसमें। तो वैसे ही यहाँ पर जो प्रत्यय लगा है वो है कृत प्रत्यय। ये हो गया क्लियर, ये पहला प्रश्न था। अब वैसे ही है बच्चों हमारे पास दूसरा शब्द कि संस्कृतस्य का परिभाषा, संस्कृत की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ संस्कृत। तो संस्कृत की क्या डेफिनेशन है उसको जानिए। या भाषा व्याकरण दृष्टया शुद्धम परिष्कृतम वा अस्ति सा संस्कृतम इति कथ्यते। इसका मतलब यह है, इसको आप ना हिंदी में भी लिख सकते हैं एग्ज़ाम के दौरान, ऐसी कोई बात नहीं है। पर इसका अर्थ क्या है कि जो भाषा व्याकरण दृष्टि से शुद्ध अथवा आविष्कृत, परिष्कृत का मतलब आविष्कृत, जिसका मतलब अच्छे से आविष्कार किया जाता है, अस्ति है, सा संस्कृतम इति कथ्यते, वह संस्कृत ऐसा कहलाती है। ये संस्कृत की डेफिनेशन होगी। जैसे आपने संज्ञा सर्वनाम विशेषण की परिभाषाएं पढ़ी होंगी अपने बचपन में, वैसे ही ये संस्कृत शब्द की एक डेफिनेशन है, परिभाषा है, जो कि संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों को आनी ही चाहिए। अब उसके बाद है बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न कि संस्कृत भाषा इत्यर्थे प्रमुखा के शब्द। मतलब संस्कृत भाषा इस अर्थ में प्रमुख कौन कौन से शब्द हैं, मतलब संस्कृत भाषा के लिए और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने छोटी छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा हुआ है, जैसे कि संस्कृतम देववाणी, संस्कृत देववाणी कहलाती है, देवभाषा, देवगिरा, दैवी वाक, सुरभारती, गीरवाणी, गीरवान वाणी इति, ये सब कहलाती है संस्कृत भाषा। उसी तरह से इसके बाद वाला जो प्रश्न है बच्चों वो है कि संस्कृत भाषा या साहित्यम कति भागेषु विभक्तम अस्ति। संस्कृत भाषा का जो साहित्य है कितने भागों में बंटा हुआ है, विभक्तम बंटा अस्ति है, कितने भागों में बंटा है। तो कोई भी साहित्य जो है वो मुख्य रूप से दो दो तीन तीन भागों में बंटा होता है। और संस्कृत जो है वो है लौकिक और वैदिक, च लौकिक और वैदिक द्वयो हो, दोनों में बंटा हुआ है, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिसमें वेद वगैरह लिखे गए थे,
लौकिक संस्कृत जो अभी हम पुस्तकें वगैरह पढ़ते हैं वो सारी लौकिक में आती हैं, वेदों को छोड़ के। तो वैदिक में आती हैं वेद इत्यादि, ठीक है, दो भागों में बटा हुआ, एक है लौकिक एक है वैदिक, ये भी हो गया। अब उसके बाद हमारा प्रश्न है कि संस्कृतम कस्य परिभारस्य भाषा अस्ति। जितनी भी भाषाएं हैं इस दुनिया में उन सभी की ना एक फैमिली है, उस फैमिली में अलग अलग भाषाएं हैं। वैसे ही संस्कृत जो है किस परिवार की भाषा है, तो इसके लिए सीधा सा उत्तर है कि संस्कृत जो है भारत और यूरोपीय परिवार की भाषा है, भारत यूरोपीय भाषा की भाषा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब वैसा ही देखो, ये पांचवा प्रश्न हमने यहाँ पर कुछ तीसरा और पांचवा प्रश्न एक जैसा ही है। देखो, देववाणी, गीरवाणी, भारतीय, सुभारती, आर्य भाषा इत्यादि कस्य भाषाया नामानि, ये संस्कृत भाषा का ही नाम है, तो इसलिए इसको मैंने आपको करवाया नहीं था, ठीक है। तो यहाँ है सम, क्री और ता व्युत्पत्ति अस्ति, मतलब सम, क्री और ता व्युत्पत्ति है, किसकी किसकी व्युत्पत्ति है, संस्कृत की व्युत्पत्ति है। तो आप अगर सिर्फ ये लिख दें तो बात बन जाती है। तो लिखा, का भाषा देववाणी कथ्यते, कौन सी भाषा देववाणी कहलाती है, तो सरल सा उत्तर है संस्कृत भाषा। तो यहाँ आपको कौन कौन सा प्रश्न मुश्किल लगा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो ऐसे ही प्रश्न जो हैं आपको परीक्षा में भी आएंगे, कुछ एक प्रश्न हैं इनको आप याद कर लीजिए। अब यहाँ उत्तर जो अभी हमने डिस्कस किए हैं वो सारे हैं। अब बात करते हैं संस्कृत साहित्य परिचय की। साहित्य किसको कहते हैं, लिटरेचर को। क्या होता है लिटरेचर, लिटरेचर क्या होता है, जितनी भी बुक्स वगैरह लिखी जाती हैं, जितने कविताएं, निबंध, कहानियां, ये सारी की सारी लिटरेचर कहलाती हैं। हर एक भाषा का अपना अपना एक लिटरेचर होता है, जैसे है ये संस्कृत भाषा, इसका जो लिटरेचर है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ लिखा रहता है, देखो लघुत्तरात्मक, छोटे उत्तर देने के लिए बना हुआ है। लिखा है जैसे वेद इति पदस्य कः आशयः, मतलब वेद इस शब्द का क्या मतलब है, वेदाः कति सन्ति, वेद कितने हैं, तेषां नामोल्लेखं कुरुता, उनका नाम लिखो। तो जान लेते हैं, देखिए ये आ गया हमारे पास, तो वेदः ज्ञानार्थकस्य वाचकः अस्ति, वेद जो है ज्ञान अर्थ के वाचक हैं, मतलब ज्ञान कहते हैं वेद को, वेद इज इक्वल टू ज्ञान। अगर आप वेद इज इक्वल टू ज्ञान लिख के आ जाते हैं तो भी आपका उत्तर सही है, वेद का अर्थ ही ज्ञान है। प्राचीनतम ज्ञान विज्ञान संस्कृति आदि विषयः वेदेषु विद्यन्ते, जो प्राचीन ज्ञान और विज्ञान संस्कृति आदि के जो विषय हैं वो वेदों में हैं, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब उसके बाद वाले प्रश्न में चलते हैं। लिखा है ऋग्वेदस्य संक्षिप्त परिचयम, लिखा वेद कितने हैं, उनके नाम बताइए, ये तीन क्वेश्चन है, एक, दो और तीन। अभी हमने एक का जवाब दिया, ये दूसरा और तीसरा ना इसके बाद में आएंगे ये प्रश्न, वहाँ मैं बात कर दूंगा। अभी सिर्फ इसी को, ये वेद इस पद का क्या अर्थ है, तो वेद का अर्थ है ज्ञान, ठीक है। अब बात करते हैं ऋग्वेदस्य संक्षिप्त परिचयम, लिखा था ऋग्वेद का संक्षिप्त परिचय लिखो, तो ऋग्वेद के बारे में आप समराइज करके कुछ एक बातें बता दो। तो क्या बताना है आपने कि ऋग्वेदे श्लोकः मंत्रः ऋक् वा इति कथ्यते, ऋग्वेद में जो श्लोक होते हैं, जैसे हमारी बुक में जो श्लोक है ना, इनको हमने अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे सूक्तयः, सुभाषितानि, ये अलग अलग नाम है। तो ऋग्वेद में जो श्लोक हैं उनको मंत्र अथवा, वा का मतलब होता अथवा, मंत्र अथवा ऋक् कहते हैं, इति कथ्यते ये कहते हैं, या तो मंत्र कहते हैं या ऋक् कहते हैं, तो ज़्यादा ऋक् ही कहते हैं, इसलिए इसका नाम ऋग्वेद है, ठीक है। अयम वेदः स्तुति प्रदानः वेदः अस्ति, अयम मतलब ये, वेदः मतलब वेद, स्तुति प्रदानः मतलब स्तुति होती है प्रार्थना, प्रार्थना प्रदान वेद है, मतलब इसमें देवताओं की प्रार्थना की गई है। अस्मिन् वेदे दशमण्डलानि विद्यन्ते, इस वेद में दश मंडल हैं, मंडल मंडल होते हैं अध्याय, जैसे हमारी बुक में अध्याय है ना, इनको अध्याय बोला जाता है, पाठ बोला जाता है, लेकिन ऋग्वेद में मंडल बोले जाते हैं, तो मंडलों के बीच में भी अध्याय होते हैं, तो बड़ा विस्तृत है, तो वो कक्षा में आपको डिटेल में बता सकते हैं टीचर्स।
आप यहाँ पर केवल इतना जान लीजिए कि ऋग्वेद के जो श्लोक हैं वो मंत्र अथवा ऋक कहलाते हैं। ये वेद स्तुति प्रदान वेद है, इस वेद में 10 मंडल हैं। ये एक संक्षिप्त परिचय हो गया इसका। अब उसके बाद वाला जो बच्चों हमारे पास प्रश्न है वो है यजुर्वेदस्य सामान्यम संक्षिप्तम परिचयम लिखत। जैसे ऋग्वेद का वैसे यजुर्वेद का। अब आपको पता चल रहा होगा वेद कितने हैं, एक तो ऋग्वेद है, एक यजुर्वेद है, एक सामवेद है, एक है अथर्ववेद, 4 वेद हैं। समझ में आया कितने होते हैं वेद? वेद होते हैं 4। चारों को लिखना कैसे है वो आपको वहाँ स्पेलिंग मिल जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। अपने से लिखते हैं कई बार आप गलत लिख देते हैं, स्पेलिंग वहाँ मिल जाएंगे आपको, आप वहाँ से देख के आराम से लिख लेना। अब यजुर्वेद का सामान्य परिचय क्या है, यजुर्वेद जो है उसका सामान्य परिचय क्या है? जैसे ये स्तुति प्रदान है ऋग्वेद, तो यजुर्वेद भी किसी बात में प्रदान होगा तो हम जानते हैं। देखिए लिखा यजुर्वेद यज्ञ प्रदान अस्ति, यजुर्वेद जो है वो यज्ञ प्रदान है, या से यजुर् या से यज्ञ, यज्ञ प्रदान अस्ति। अतः अस्मिन् वेदे कर्मकांड विधि विद्यते, इसलिए इस वेद में, इस वेदे मतलब वेद में कर्मकांड मतलब कर्मकांड, विधि मतलब मेथड, विद्यते मतलब अवेलेबल है। जैसे इसमें स्तुति प्रदान था ना, इसमें है यज्ञ प्रदान, इसमें कर्मकांड है। कर्मकांड क्या होता है, जो पंडित लोग पूजाएं करवाते हैं वो सारी यजुर्वेद से ही करवाते हैं। अस्य प्रमुखो द्वौ वेदौ स्तः, अस्य मतलब इसके प्रमुखों मतलब प्रमुखो दो मतलब के दो प्रमुख वेदौ स्तः मतलब वेद हैं, इसके दो प्रमुख वेद हैं, एक का नाम है कृष्ण यजुर्वेद, एक का नाम है शुक्ल यजुर्वेद। च कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, इसके दो भेद हैं किसके, यजुर्वेद के। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे सामवेद की। सामवेद से सामान्यम संक्षिप्तम परिचयम, है ना, सामवेद का सामान्य संक्षिप्त परिचय बताइए। तो सामवेद का सामान्य संक्षिप्त परिचय क्या है कि अयम गायन प्रदान वेदास्ति, ये गायन प्रदान है। जैसे ये स्तुति प्रदान है, यज्ञ प्रदान है, और ये गायन प्रदान, गायन प्रदान समझ रहे होंगे आपको, गायन प्रदान मतलब जिसमें गाया जाता है, जिसमें गीत गाने की बातें कही गई हैं, स्तुतियाँ। देखो जब हमारे घर में कोई आता है तो हम सबसे पहले उसके सामने प्रार्थना भरे हाथ जोड़ के बैठते हैं, फिर उसको खिलाते पिलाते हैं, फिर उसको सुनाते भी हैं, है ना। तो यही विधि है वेदों में भी, वेद भी क्या करते हैं, ऋग्वेद में देखो पहले प्रार्थना हो रही है, फिर उसके बाद यजुर्वेद में उसको खिलाने पिलाने मतलब कर्मकांड की विधि है, अब गाने की विधि है किसमें, सामवेद में। सामन, साम शब्द से तात्पर्य गायन स्वरा लया, जो सामन शब्द है इसका मतलब ही है गायन स्वर और लया। ये जो सामवेद में साम है ना, इसको सामन कहते हैं, इस शब्द का तात्पर्य मतलब गायन स्वर और लय से है। अस्य अधिकांशतः मंत्रा, इसके ज़्यादातर मंत्र ऋग्वेदात, ऋग्वेद से संकलिता संति, ऋग्वेद से लिए गए हैं, जो ऋग्वेद है ना ये, इसी से ही सारे मंत्र आ गए इसके। अस्य दो वेदों का, इसके भी दो वेद हैं, एक है पूर्वार्चिका एक है उत्तरार्चिका। तो 4 वेद हो गए हमारे, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। अच्छा अथर्ववेद भी है, अथर्ववेद के बारे में यहाँ जानते हैं। ठीक है, अथर्ववेद से संक्षिप्तम सामान्यम परिचय लिखो, अथर्ववेद का संक्षिप्त सामान्य परिचय लिखिए। तो क्या लिखना है, तो ये लिखा है कि यज्ञ वेदी निर्माण विषयक। यज्ञ वेदी मतलब जो हवन होते थे ना, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, वो कैसे होते थे, किसी जगह में होते थे, मंदिर में होते थे, तो उसको वेदी कहते हैं। तो उसका निर्माण कैसे करना है, वास्तुशास्त्र मतलब घर वगैरह कैसे बनाने, मंदिर कैसे बनाने, हवन कुंड कैसे बनाना, तो वास्तुशास्त्र प्रदान वेद अथर्ववेद कथ्यते। ये इन चारों वेदों का संक्षिप्त परिचय हो गया जिसे हमने जान लिया। ठीक है, तो आज हम इस वाली वीडियो में हम दो ही टॉपिक पढ़ पाए हैं। एक तो हमने पढ़ लिया ये वाला टॉपिक जिसका नाम था संस्कृत साहित्य परिचय, है ना, जिसमें वैदिक साहित्य के कुछ प्रश्न पढ़े हमने। उसके बाद में हमने पढ़ा संस्कृत भाषा के उद्भव और विकास के कुछ प्रश्न, है ना, ये हमने इस वीडियो में पढ़ लिया। अब कुछ और एक आदि वीडियो में हम बनाएंगे छोटे छोटे वीडियोस जिनमें छोटे छोटे प्रश्न इसी तरह के पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ। ठीक है, ये रहा इसके बाद वाली जो वीडियो हम बनाएंगे, वो बनाएंगे रामायण महाभारत और पुराण, इनका सामान्य परिचय। ठीक है, जैसे रामायण किसने लिखी, ये अगली वीडियो में आप देखिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, हो गई है ना,
तो अब इसमें हम यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो देखिए उसमें हमने रामायण महाभारत और पुराण की बात की है।